प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। पंच महापुरुष योगों में एक महत्वपूर्ण योग है मालव्य महापुरुष योग, जिसे मालु योग भी बोलते हैं। आइए इस मालव्य महापुरुष योगों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर वन, ये बनता कैसे है, इसका फल क्या है, इस योग का फल कैसे कम या अधिक हो जाता है, अर्थात इस योग के फल में, फल कथन में वेरिएशन किस प्रकार से हो जाता है, यह योग कब सामान्य योग रह जाता है और यह योग कब असफल हो जाता है, उसके बाद से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह बनता कैसे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियो की सूचना और जो पहले से ही अपलोड वीडियो हो आपके स्क्रीन तक आती रहेगी। और यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो अंत में लाइक कर दीजिएगा। कोई आपत्ति होगी कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिएगा। तो ये योग बनता कैसे है, तो सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि मालव्य महापुरुष योग शुक्र ग्रह के द्वारा बनता है। और जब शुक्र ग्रह लग्न से अथवा चंद्र लग्न से, तो सर्वप्रथम लग्न से ही देख लेते हैं, लग्न से ही दिया गया है, वही सूत्र चंद्र लग्न में भी अपना लेंगे सीधा सीधा। तो जब शुक्र ग्रह स्वराशि का या उच्च राशि का होकर कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाता है तो इस महापुरुष योग मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। तो ये लग्न होता है, कोई भी यहाँ पे राशि हो, यहाँ एक से लेकर के 12 नंबर तक कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है। तो अब यहाँ पे लग्न है, मान लीजिए यहाँ पे मेष लग्न है तो यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा। और ये यहाँ पे शुक्र बैठ गया तो मेष लग्न में मालव्य महापुरुष योग बन गया। दूसरे नंबर वृष को ले लीजिए, तो वृष में लग्न में ही शुक्र यहीं पे बैठ जाए तो मालव्य महापुरुष योग बन जाएगा। मिथुन राशि को ले लीजिए 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा ये 9, फिर यहाँ हो जाएगा 12। 12 जो शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी राशि आएगी, मीन राशि आ जाएगी। यदि यहाँ मिथुन लग्न है तो मीन राशि यहाँ पे आ जाएगी। और जब मीन राशि यहाँ पे आ जाएगी, यहीं पे शुक्र बैठेगा तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद से कर्क लग्न यहाँ पे 4 नंबर लिख देंगे तो कर्क लग्न हो जाएगा अथवा कर्क राशि हो जाएगी। अब जब यहाँ चंद्र बैठेगा तो कर्क राशि हो जाएगी। तो अब यहाँ लग्न है तो यहाँ 4 नंबर लिखा है, अभी चंद्रमा छोड़ दीजिए बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न हो गया, कर्क लग्न में यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो कर्क लग्न में मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 नंबर आ जाता है अर्थात सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न है तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे शुक्र बैठे होंगे तो स्वराशि के होंगे और मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे अब कन्या होगी तो कन्या राशि होगी तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे कन्या लग्न में यहाँ पे शुक्र बैठे होंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। कन्या के बाद तुला लग्न आता है, 7 नंबर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो तो 7 नंबर जब लिखा होगा यहाँ पे और यहीं पे शुक्र बैठेंगे, लग्न में ही बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं वृश्चिक लग्न हो, अर्थात 8 नंबर लिखा हो और वृश्चिक लग्न हो तब यहाँ पे देखिए 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अर्थात यहाँ पे वृश्चिक लग्न में इस स्थान पर यदि शुक्र बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए धनु लग्न हो, धनु लग्न में यहाँ पे 12 नंबर होगा, मीन राशि में शुक्र बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो अर्थात मकर राशि हो तो यहाँ पर 7 नंबर आएगा, 7, 8, 9 और 10, तो यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। 11 नंबर होगा तो यहाँ पे 11
तो यहाँ पे 5, 6, 7 और यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, 11, 12, 1, 2। यहाँ पे यदि 11 है तो यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे शुक्र बैठेंगे, स्व राशि के हो जाएंगे, बन जाएगा मालव्य महापुरुष योग का निर्माण। यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा अर्थात मीन लग्न होगा, तो शुक्र यहीं पे बैठ जाएंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये रहा 12 लग्नों में कहाँ कहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब यहाँ पे यदि चंद्र लग्न लेते हैं, चंद्र राशि, तो मेष राशि तो जो लग्नों में हमने देखा उसी प्रकार से चंद्र राशि से भी चंद्र लग्न ये हो गया, जहाँ पे चंद्रमा बैठता है उसी को घुमा देते हैं तो चंद्र लग्न की कुंडली बन जाती है। आप सॉफ्टवेयर में चंद्र लग्न की कुंडली खोल लीजिए, चंद्र कुंडली बोलते हैं, D2 चार्ट बोलते हैं, ये D1 चार्ट, D2 चार्ट। D2 चार्ट में यदि स्व राशि अर्थात 2 नंबर, 7 नंबर अथवा 12 नंबर में अर्थात वृष, तुला और मीन राशि में शुक्र यहाँ 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 अथवा यहाँ बैठ जाएगा तो मालव्य महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से मालव्य महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब इसका फल क्या है, तो हम जानते हैं कि कुंडली में बृहस्पति के बाद शुक्र सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, और जब भी लाखों दोषों का समन करने वाले केंद्र में हो जाते हैं गुरु, और शुक्र भी हजारों से अधिक दोषों का समन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये केंद्र में आ जाएंगे तो कुंडली को बल मिल जाता है। अब स्वराशि के अथवा अब ये मालव्य महापुरुष योग में आ गए तो शुक्र के कारकत्व बहुत बड़ी मात्रा में जातक को मिलेंगे। अब लग्न अथवा राशि कोई भी क्यों न हो, मालव्य महापुरुष योग बन गया है तो इसका फल जातक को मिलना ही मिलना है। अब इसकी तीव्रता कितनी होगी इस पर देखेंगे, अभी इस पर देखते हैं साधारण फल कथन क्या होगा। मालव्य महापुरुष बन गया तो साधारण फल कथन ये होगा कि शुक्र मजबूत हो गए तो जातक का चेहरा खूबसूरत होगा, जातक जो है आकर्षक होगा, जातक के पास जो है भूमि भवन वाहन होगा, जातक लग्जरी पसंद करेगा, जातक अच्छे कपड़े आदि का शौकीन होगा, इत्र आदि का शौकीन होगा, जातक के पास जो घर होंगे वहाँ फूल बगीचे आदि को रखना पसंद करेगा, जातक सीनरी को पसंद करेगा, जातक घूमने का शौकीन होगा तो बाग बगीचे और बहुत ही खूबसूरत जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करेगा, जैसे स्विट्ज़रलैंड हुआ, जैसे उत्तराखंड की वादियाँ हुई, मतलब जहाँ फूल पौधे बगीचे हो और खूबसूरती हो और हरियाली हो वहाँ पे जातक जो है जाना पसंद करेगा। और जातक के पास उत्तम वाहन होगा, उत्तम भवन होंगे, जातक के पास जो है उत्तम पत्नी होगी, यदि पुरुष जातक है तो उत्तम पत्नी होगी, और स्त्री जाति का है तो उसका भी चेहरा खूबसूरत होगा। और शुक्र जो है सप्तम का कारक है तो वीर पुरुष है तो वीर संबंधी रोग होने की संभावना नहीं होगी, और मूत्र संबंधी रोग भी होने की संभावना नहीं होगी। अर्थात और भी हम देखेंगे कि शुक्र जो है शुक्र से संबंधित जो जानवर आते हैं वो भी जातक के पास कुछ न कुछ होंगे। तो ये सामान्य फल कथन इस प्रकार से हम समझेंगे। अब आते हैं कि यह योग में जो फल कथन है इसमें वेरिएशन आने लगेगा, कैसे आएगा, यह योग कब सामान्य योग रह जाएगा। यह योग सामान्य तब हो जाएगा जब ये सूर्य से अस्त हो जाए, तो इसमें जो है बल बहुत कम मात्रा में हो जाता है, और फिर तब ये मालव्य महापुरुष योग जो है एक सामान्य योग बन के रह जाता है और जातक को इसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। और भी इसके वेरिएशन है, जैसे यदि स्व राशि का अब या उच्च राशि का होकर के इस कुंडली के उत्तर वाले हिस्से में शुक्र रहता है तो इसका फल ज़्यादा बेहतर है, दक्षिण वाले हिस्से में रहता है तो इसका फल कम है, इधर रहता है तो बहुत
सर्वोत्तम है, यहाँ और यहाँ मध्यम है, और यहाँ पे इसका फल सबसे निम्न कहा जाता है, क्योंकि दिग्बल में यहाँ शुक्र बलि होते हैं और यहाँ पे दिग्बल शून्य प्राप्त होता है। इसी कारण भावार्थ रत्नाकर में रामानुज का मत है कि शुक्र जो है इधर योग पद नहीं रहता, इसी दिशाओं में ये उत्तर दिशा में ये योग प्रद रहता है। तो अब ये देखेंगे कि कहाँ पे ये सर्वोत्तम होगा, अर्थात जातक कि लग्न या राशि यदि वृष हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो, मकर हो और कुंभ हो, ये छह राशियाँ हो गई, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, उसमें यदि ये मालव्य महापुरुष योग बनता है तो ये सर्वोत्तम फल प्रदान करेगा, क्योंकि जातक का जो लग्न होगा या राशि होगी उससे ये मैच खाएगा और सूट करेगा जातक को। और उसके बाद से मेष, कर्क, सिंह में ये मध्यम फल करेगा, मेष, कर्क, सिंह में ये मध्यम फल करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सम मान लीजिए, लेकिन ये मीन, वृश्चिक और धनु में जो है, मीन में, वृश्चिक में भी सम मान लीजिए, मीन और धनु में ये फल करते हुए भी जातक की प्रकृति से मेल नहीं खाएगा, तो ये मालव्य महापुरुष अपना फल तो देगा लेकिन जातक के इसमें सुख की अनुभूति नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मुख्य मारक जो है शुक्र ही होते हैं धनु लग्न में और मीन लग्न में। उसकी मीन लग्न में अष्टमेश हो जाते हैं और धनु लग्न में षष्ठेश और एकादशेश होते हैं, तो छठे और ग्यारहवें के स्वामी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से जातक की जो प्रकृति है उसकी लग्न और उसकी राशि के अनुरूप ही होती है, लग्न और राशि ही निर्धारित करती है। तो जब धनु लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली बनती है उस समय मालव्य महापुरुष बनता है, फल देता है, तो भी जातक उससे संतुष्टि का अनुभव नहीं करता, सुख की अनुभूति नहीं करता, लेकिन यह योग अपना प्रभाव 100% वहाँ भी दिखाता है। अब हमने देखा तो ये वृष अर्थात दो नंबर तीन नंबर और उसके बाद से छः नंबर, सात नंबर, दस नंबर, ग्यारह नंबर की राशि हो, सात नंबर की राशि हो, तो उस समय ये संपूर्ण फल प्रदान करेगा। और यहाँ पे चौथे भाव में यदि शुक्र बैठ करके और मालव्य महापुरुष योग बना रहा है तो ये अति उत्तम है। अब यदि यहाँ देखिए इसमें वृक्ष में और तुला में ये लग्न में ही हो जाएगा, तो मालव्य महापुरुष योग भी होगा और लग्नेश का लग्न में ही हो जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। राजयोगों में हमने चर्चा करके देखा कि अगर कि ये लग्नेश लग्न में हो तो ये अकेला है, एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब ये मालव्य शुभ ग्रह होकर के ये मालव्य महापुरुष योग बना करके आ गया तो वृष और तुला में ये अति उत्तम किस्म का मालव्य महापुरुष होगा, और जातक शुक्र की दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा में आसमान की ऊंचाइयों को छू जाएगा। उसके बाद से हम आते हैं मिथुन कन्या में भी बनता है तो भी ये बहुत उत्तम है, यहाँ पे ये धनु में यहाँ पे बन जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मैं स्वयं धनु लग्न की कुंडली वाला और यहाँ पे मालव्य महापुरुष योग वाला ही जातक हूँ, और इसके संपूर्ण फल को हमने भोगा। जैसा कि आप YouTube पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग कह देंगे तो मारक हो गया, यहाँ और यहाँ का स्वामी होके यहाँ आ गया धनु लग्न में, तो अब ये मालव्य महापुरुष योग का फल नहीं मिलेगा, या ये अब क्योंकि संघर्ष उच्च का हो गया और यहाँ से लाभ भी उच्च का हो गया, लाभ भी अपने से छठे चला गया, तो लाभ की भी कोई न कोई हानि होगी, ये दिक्कत होगी। इस तरह के भी फल कथन आपको बहुधा मिल जाएंगे, लेकिन यहीं पे आपको मैं सावधान करता हूँ कि ऐसा नहीं है। जब प्राचीन शास्त्रों को पढ़ेंगे, जैसे फल देपिका है, जैसे पराशर होरा शास्त्र है, जैसे जातक परिजात है, मानसागरी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये महापुरुष योग बन जाता है तो निश्चित तौर पे ये फल करेगा ही करेगा। हाँ, वेरिएशन आएगा, जैसे हमने कहा कि ये धनु लग्न में और मीन लग्न में
यह फल देगा तो अवश्य, परंतु ये जातक इससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि धनु लग्न की प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति है, धनु लग्न की प्रत्येक प्रकृति जो है विद्वानों की प्रकृति है, और उस शुक्र जो है ऐश्वर्य देता है। तो जैसे ये भूमि यहाँ पे हो गया, भूमि भवन वाहन माता का सुख आदि बहुत कुछ देगा, बहुत बड़े बड़े मकान आदि देंगे, तो बहुत बड़े मकान आदि देंगे, और यहाँ से ऋण का भी स्वामी है, वास्तव में उच्च होगा तो ऋण आदि भी हो जाएंगे, और यहाँ से भी इसको कुछ न कुछ तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, तो सारी आय आकर इसके भूमि भवन वाहन आदि में डूब जाएगी, और जातक की प्रकृति आध्यात्मिक है, जातक कर्जे में डूब जाएगा, जातक सुखानुभूति की अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि धनु लग्न थोड़ा सा भी यदि गुरु का सपोर्ट अच्छा है तो ये परमाध्यात्मिक कुंडली होगी, तो जातक ईश्वर की ओर जाना चाहेगा, जातक अध्यात्म में जाना चाहेगा, जातक योग में जाना चाहेगा, जहाँ तक दूसरों को उपदेश देने में जाना चाहेगा, जहाँ तक सन्यासी आध्यात्मिक परम धार्मिक सामाजिक कार्यों में लगा रहना चाहेगा, और शुक्र परम भोग की ओर यहाँ लेके जाएगा, भूमि वाहन वाहन आदि में उलझा करके रखेगा, ऋण आदि में डाल देगा, तो जहाँ तक एक तरह से संघर्षों में परस्पर संघर्षों में दबसा जाएगा। तो इस तरह से समझना है हमको कुंडली में, केवल कारक मारक पे जाएंगे तो ज्योतिष चौपट कर दिया है लोगों ने, उससे निकलना होगा हमें, सिर्फ कारक और मारक से ही ज्योतिष नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मीन लग्न में भी यही है, लग्न में ही आ जाता है तो अष्टमेश होकर के जाता है। अब अष्टमेश होकर के जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये बहुत उत्तम फल करेगा या निम्न फल, नहीं सामान्य फल करेगा, अष्टमेश होते हुए भी सर्वाधिक शुभ ग्रह है और लग्न में आ गया, तो यदि मारक खंड नहीं चला, जातक की आयु वगैरह अच्छी है, गुरु भी अच्छे पोजीशन में है, तब ये मालव्य महापुरुष योग का संपूर्ण लाभ मिलेगा, शरीर को कोई बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अष्टमेश यहाँ शनि नहीं है, मंगल नहीं है, सूर्य नहीं है, अष्टमेश शुक्र है, अष्टमेश गुरु है, इसलिए वो परेशानी नहीं होनी है। और ये पराशर जी का एक सूत्र यह भी कार्य करता है कि जो दोष कारक ग्रह है यदि वो उच्च का हो जाए तो वो दोष कम करता है, अर्थात नहीं के बराबर करता है। तो फिर भी रुचि जातक की रुचि के अनुरूप ये नहीं होगा, इसलिए सब कुछ फल देते हुए उतना उत्तम नहीं होगा। तो सूर्य से अस्त हो जाएगा तब इसका फल बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा, अन्य भी पाप प्रभाव में ये आ जाए, मंगल के साथ हो जाए, राहु के साथ, राहु केतु के अक्ष में आ जाए तो इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा, शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि के साथ ही युत हो जाए तब भी इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, और मानसागरिक में ऐसा है कि सूर्य और चंद्रमा इसके साथ ही हो जाए तो भी इसका प्रभाव बहुत ही सामान्य हो जाएगा, और तब ये एकमात्र सामान्य योग बन करके रह जाएगा और सामान्य फल करेगा। तो इस प्रकार से सभी लग्नों में और सभी राशियों में हमने देखा। हाँ, चंद्र लग्न से भी वही सूत्र इसमें बैठा लेना है और वही फल कथन चंद्र लग्न के अनुसार भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय पुस्तकों में चंद्र लग्न का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो इन सारे योगों का निर्माण यहाँ से भी होगा। तो ये रहा मालव्य महापुरुष योग, और चलते चलते यदि कुछ कमेंट करना हो, कुछ और संशय हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।